हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर सुप्रिया महाजन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी रिगार्डिंग क्राइंग। बहुत कॉमन चीज़ है, न्यूबॉर्न्स का वे ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो क्राइंग है। अगर बच्चे को कुछ भी चीज़ आपको एक्सप्रेस करनी है तो उसके पास एक ही तरीका है, वो है रोना। एंड न्यू मॉम्स में हमेशा हमें समझ नहीं आता है कि बच्चा क्यों क्यों क्राई कर रहा है, बट इवेंचुअली एज सच आपका जब भी टाइम निकलेगा, 2-3 महीने ओवर हो गए, तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी जो क्राई है वो किस तरीके की चीज़ के लिए है। लाइक भूख की क्राई क्या है, एंड स्लीपिंग की क्राई क्या है, ओवर स्टिमुलेशन की क्राइंग क्या है। तो स्टार्टिंग के फेज में बच्चा रोता है, उस केस में आप कुछ हिट एंड ट्राइज यूज़ कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो ये हो सकता है, ये नहीं है तो ये हो सकता है। तो उन चीज़ों की लिस्ट मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है फीडिंग। ये मत सोचिए कि अगर मैंने बच्चे को अभी फीड कराया तो 2 घंटे से पहले उसको रोना नहीं चाहिए। कई बार बच्चा जो है वो ग्रोथ फेज में होता है एंड वो 1-1.5 घंटे के बाद में भी क्राइंग स्टार्ट कर सकता है, और वो क्राइंग जो है वो भूख की वजह से हो सकती है। तो इसके लिए सबसे जो इजी तरीका है वो ये है कि आप उसको फीड ऑफर करिए। अगर बच्चा भूखा है तो स्पेशली फीडिंग इजीली ले लेगा, एंड वो भी सबसे इजी तभी होगा जब आपने उसको इनिशियली दिया। अगर बहुत ज़्यादा बच्चा क्राइंग फेज में है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो कई बार बच्चा फीडिंग नहीं लेता है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि बच्चा जब थोड़ा थोड़ा रो रहा है अब तभी उसको एक बार ऑफर करके देख लीजिए कि अगर बच्चा भूखा है तो फीडिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा है। द सेकेंड मोस्ट रीज़न हैज़ जो बच्चा है उसका डायपर चेंज करने वाला है, डायपर वेट है, या स्पेशली आफ्टर मोशन जो है बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहता है, बिकॉज मोशन जो है स्किन को इरिटेट करता है, तो उस केस में बच्चा रोता है। तो आप उसका डायपर चेंज करिए, या आप चेक करिए फॉर डायपर रैशेस। कई बार नीचे रेडनेस होता है और इरिटेशन हो रहा होता है, तो उस केस में आप डायपर क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। द थर्ड कॉमन रीज़न इज़ कि बच्चे को बर्पिंग करना है, लाइक उसके पेट में बहुत ज़्यादा गैस है और वो लेट है, लेटा हुआ है, तो वो लेटे लेटे बर्प नहीं कर पाता है। तो आप उसको कई बार उठाते हो तो वो डकार लेता है और उसके बाद में शांत हो जाता है। तो बर्पिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न। आप रोते बच्चे को कई बार आप गोद में लेंगे, उसको थोड़ा सा पैट करेंगे, तो वो ईजिली शांत हो जाता है। उस केस में बर्पिंग जो है वो बहुत कॉमन रीज़न होता है जब बच्चा रो रहा होता है। फोर्थ रीज़न इज़ ओवर स्टिमुलेशन या लैक ऑफ स्लीप। अगर बच्चे का स्लीपिंग टाइम है एंड हमने बहुत ज़्यादा लाइटिंग रखा है रूम में, या बहुत नॉइज़ हो रहा है, या बहुत सारे लोग बैठे हैं जो बच्चे को एक एक पकड़ के होल्ड कर रहे हैं, बच्चे के साथ खेल रहे हैं, या बहुत सारे टॉयज़ है रूम में, तो कई बार बच्चा ओवर स्टिमुलेशन से रोता है। तो अगर माँ बच्चे को उस रूम से दूसरे रूम में लेके जाती है थोड़ा सा अलग से शांति में, तो बच्चा सो जाता है या बच्चा शांत हो जाता है, मींस कि उसको उस तरीके का ओवर स्टिमुलेशन उस टाइम पे पसंद नहीं है एंड ही नीड्स अ ब्रेक फ्रॉम दैट। द फिफ्थ रीज़न इज़ कि आपके बच्चे को कोई भी मेडिकल इश्यू भी हो सकता है, लाइक कॉलिक। कॉलिक क्या होता है, अगर बच्चे के पेट में गैस है, स्पेशली अगर बेबी जो है वो फॉर्मूला फीडिंग पर है एंड उसको शाम को या रात को कंटिन्यूसली क्राई कर रहा है 30-40 मिनट्स तक, एंड चुप नहीं हो रहा डिस्पाइट एनीथिंग, तो वो कॉलिक हो सकता है। एंड छोटे बेबीज में ज़्यादा कॉमन है, उसके लिए कॉलिक के लिए मसाजेस या कॉलिक की एक्सरसाइजेस या कॉलिक के लिए कई बार हम ड्रॉप्स भी ऑफर करते हैं, एंड उसके बाद में बेबी जो है काफ़ी बेटर फील होता है। तो आप कॉलिक के लिए फार्मूला फीड चेंज करने का ट्राई कर सकते हो, या कॉलिक के लिए टाइम भी इंक्लूड कर सकते हो, एंड इट श्योरली हेल्प्स। इसके साथ साथ में अगर आपका इन बच्चा जो है वो इनमें से किसी भी रीज़न से चुप नहीं हो रहा है, तो आप उसका एनवायरनमेंट चेंज करने की ट्राई कर सकते हो, लाइक एक रूम से दूसरे रूम में ले जाइए, या घर से बाहर ले जाइए, बालकनी में ले जाइए, गार्डन में, या कार में ले जाइए। स्पेशली कार में जो बच्चे हैं वो काफ़ी ईजिली शांत हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन। एंड देर आर मेडिकल रीजन्स, अगर इनमें से कोई भी रीज़न वर्क नहीं करता, स्पेशली अगर आपको लगता है बेबी अनवेल है, फीवर है, लेथार्जी है, सुस्त हो रहा है बच्चा, या वॉमिटिंग्स है, तो आप पेडियाट्रिशियन से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अदरवाइज आप हेड टू टो एक बार बच्चे की सारी चीज़ें चेक करिए। कई बार बहुत ज़्यादा टाइट क्लोदिंग होता है, हमने कुछ बटन्स गलत बांध किए होते हैं, या कोई जिप में कोई चीज़ फंसी है, या कपड़ों के अंदर ही कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो बच्चे को चुभ रहे होते हैं, तो आप क्लोदिंग चेंज करके देखिए, या आप हेड टू टो में चेक करिए कि बच्चे के कान में कुछ स्वेलिंग तो नहीं है, कोई रेडनेस तो नहीं है,
बच्चे के डायपर एरिया में रेडनेस तो नहीं है, या कोई मॉस्किटो बाइट है, या कोई इंसेक्ट बाइट है, या कहीं पे कोई रैश है, कोई ब्रूज है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। अगर आपका बच्चा कंटिन्यूसली क्राई कर रहा है और जैसे मैंने बोला उसको कोई भी हाई रिस्क साइंस है, लाइक फीवर है, लेथार्जी है, वॉमिटिंग्स है, या फिर कोई भी स्किन पर रैशेज है, तो ये किसी भी डेंजरस इलनेस के साइंस हो सकते हैं। एंड उनके इसमें बच्चा किसी भी तरीके से शांत नहीं होता है एंड फीडिंग भी एक्सेप्ट नहीं करता है, एंड और भी दिक्कतें हो सकती है बेबी के साथ में। तो आई होप ये लिस्ट आपके काम आए एंड आपका क्राइंग बेबी जो है उसकी क्राई जो है आप जल्दी जल्दी समझ पाए। धीरे धीरे इवेंचुअली हम सबको समझ में आ जाता है कि फीडिंग का क्राई क्या है, स्लीपिंग का क्राई क्या है एंड डायपर का क्राई क्या है। डायपर तो बहुत ईजी है चेक करना, बट अदर क्राइज आर वेरी कॉमन टू अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू मॉम जर्नी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।